जय हिंद फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। अभी जॉइन इंडियन आर्मी पे एक नया नोटिफिकेशन आया है, एक नई नोटिफिकेशन आई है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और इसमें आपको डायरेक्ट SSB इंटरव्यू अटेंड करने का मौका मिलेगा। मतलब इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम न है, जिस तरह से आपका NDA का रिटन होता है, CDS का रिटन होता है, FCAT होता है, तो उसी तरह से इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट SSB में आपको कॉल मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहले आप जब आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इसी वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन का सेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो लेटेस्ट अपडेट आ रखा है। TS 10+2 का जो कोर्स होता है उसका ऑनलाइन अप्लीकेशन TS 50 कोर्स का 1 जून से 30 जून के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो खोल के दिखाने वाला हूं और आपको आगे की जानकारी देने वाला हूं। बट उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि NDA 1 2023 का जो डेट सिलेक्शन लिंक है ये ओपन हो गया है। जैसा कि मैं आपको पिछले ही वीडियो में इन्फॉर्म कर रखा हूं, तो आप इसका डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा डेट है, कौन सा सेंटर है, ताकि जो बाकी एस्पिरेंट वीडियो को देखेंगे उनको एक जानकारी मिल जाएगा और उनके थ्रू भी आप एक तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर सेम सेंटर हो तो किस तरह से जर्नी प्लान करना है, कहाँ पर स्टे करना है, सारी तमाम डाउट आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ TS 50th कोर्स का कॉल लेटर जो कि इसी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे देखने को मिला है। तो आपके स्क्रीन पे ये कॉल लेटर का जो ऑफिशियल है ये नोटिफिकेशन देखने को मिल गया होगा इंडियन आर्मी का। ये भी एक परमानेंट कमीशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन आर्मी में अगर आपको परमानेंट कमीशन के थ्रू एंट्री लेना है तो मात्र 3 से 4 एंट्री ही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक NDA एंट्री है, CDS में IIM एंट्री है और एक आपका ये हो गया 10+2 एंट्री। तो ये 3 एंट्री है जहाँ से आपको परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका मिलता है। लेकिन जो बाकी एंट्री है, फॉर एग्जांपल आपका NCC एंट्री, TGC एंट्री या फिर आपका CDS में जो OT एंट्री होता है, ये सारा परमानेंट कमीशन नहीं है। इसमें आपको 14 ईयर्स सर्व करने का मौका मिलता है आर्मी में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट हुए पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड हु हैव अपीयर्ड इन द JEE मेन 2023 एग्जामिनेशन। अब एक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि JEE मेन्स 2023 का ही होना चाहिए। अगर आपने लास्ट ईयर JEE मेन्स क्वालिफाई कर रखा हो, अच्छे रैंक से आपने क्वालिफाई कर रखा हो, तो वो JEE मेन्स का स्कोर वैलिड नहीं होगा, JEE मेन्स 2023 का स्कोर ही वैलिड होगा। और अगर आपने 10+2 यानी कि 12th क्लास साइंस बैकग्राउंड से, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 10+2 में होना चाहिए और JEE मेन्स 2023 क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हों। अब एलिजिबिलिटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये नेशनलिटी वगैरह तो आपको पता ही होगा। तो एज लिमिट क्या है कि 16.5 ईयर से 19.5 ईयर्स जो कि NDA का भी सेम होता है। अगर आप NDA के लिए या फिर ये टेक्निकल एंट्री TS के लिए, ये दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एज लिमिट यहाँ पे सेम होता है। यहाँ पे मैं आपको अगर ये प्रिसाइज वे में बताऊँ तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2004 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। योर डेट ऑफ बर्थ हैज़ टू बी बिटवीन 2 जुलाई 2004 एंड 1 जुलाई 2007। इससे अगर आप एक दिन आगे या फिर पीछे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल ना हैं। तो आप देख लें कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस दो डेट के बीच में फॉल हो रहा है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर TS एंट्री। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट में से भी कोई एक डेट है फिर भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, 10+2 में मिनिमम 60% मार्क्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए और आपको JEE मेंस 2023 में अपीयर भी होना चाहिए। ये दोनों मस्ट है। अगर आप इनमें से कोई एक भी एक तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद मेडिकल एंड फिजिकल, ये तो आपका SSB इंटरव्यू के बाद होगा। तो जो टोटल वैकेंसी है, हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, टोटल 90 वैकेंसी है जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है। आप आर्मी में एज एन इंजीनियर सर्व करेंगे 90 वैकेंसी के साथ, तो वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे आपको 4 ईयर्स का कोर्स होगा। 4 ईयर्स के कोर्स में आपको 3 साल का कोर्स OTA गया में कराया जाएगा और 1 साल का कोर्स IIM में कराया जाएगा।
सो जिस तरह से एनडीए में 4 ईयर्स का कोर्स होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको 4 ईयर्स का कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओटीए गया में इसका कोर्स होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप देख पा रहे होंगे कि आप कमीशन होने के बाद कौन कौन से रैंक मिलेंगे और कितने साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा नेक्स्ट रैंक के बाद। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप कमीशन होंगे, कमीशन होने के 2 साल बाद कैप्टन बन जाएंगे, कमीशन होने के 6 साल बाद मेजर बन जाएंगे, 13 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, 26 साल बाद कर्नल और बाकी सारे जो नेक्स्ट रैंक है ये आपके मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये सब। इसके बाद यहाँ पे आप पे स्केल देख पा रहे होंगे, लेवल 10 का जॉब है लेफ्टिनेंट, लेवल 10 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सैलरी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद MSP जो कि मिलिट्री सर्विस पे 15,500 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाता है। फिर आपको ट्रेनिंग के टाइम में स्टाइपेंड दिया जाएगा 56,100 रुपीज़ का, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सारे तो जब आप कमीशन हो जाएंगे तब आपको ये सारे अलाउंस, सैलरी वगैरह देखने को मिलेगा, तो ये अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता रखा हूँ। सो ये नोटिफिकेशन आप खुद चेक कर सकते हैं जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके, वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट PDF भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर अप्लीकेशन नंबर फॉर JEE मेंस 2023 फॉर BE एंड BTech कोर्सेज ओनली। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि BTech के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तभी आप इस नोटिफिकेशन में अब आप एलिजिबल हों तो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और, वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट एग्जैक्ट PCM परसेंटेज ऑफ क्लास 12 अप टू 2 decimal एंड आर नॉट टू बी राउंडेड ऑफ। एनी फॉल्स एंट्री ऑफ PCM परसेंटेज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी राइटली रिजेक्टेड। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आप अपना PCM का मार्क्स देंगे वो डेसिमल के 2 डिजिट के बाद होना चाहिए, और अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल हो जाएगा, आप SSB इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद एक चीज़ और है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल फॉर SSB इंटरव्यू। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप अपना JEE मेंस का जो मार्क्स है वो आप फिलअप कर लेंगे, 12th का मार्क फिलअप कर लेंगे, तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग आपके JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे ही शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है। जो लास्ट JEE मेंस का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, ये शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 350,000 के अंदर है तो जो लास्ट जो कि आपका TS 50th कोर्स का था या फिर TS 49th कोर्स का, उस दोनों कोर्स में जो जिन का रैंक 350,000 के अंदर था, 350,000 के अंदर था, उन लोग का जो कॉल लेटर है जॉइन इंडियन आर्मी पे आ गया था और उन लोग का SSB इंटरव्यू का डेट भी आ गया था जिस दिन अटेम्प्ट करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसी के हिसाब से आप अपना जो नेक्स्ट है वो प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट आगे आने वाले प्रोसेस। और एक बात और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिसका लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट अप्लाई करने का है 30 जून। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद लगभग 3 से 4 दिन का आप टाइम लें, इसी 3 से 4 दिन के टाइम में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। अब किस तरह से भरना है तो आपको उसी ऑफिसर वाले सेक्शन में जाना होगा जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पे जॉइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट आ रहा होगा। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो ऑफिसर वाला जो सेक्शन है जहाँ से आप लॉगिन करते हैं, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इश्यू हो गया है, जहाँ से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो गया नेटवर्क का। तो जैसे कि आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो ऑफिसर वाला सेक्शन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि लेफ्ट साइड में जो डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के जस्ट नीचे एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन। उस अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से जो डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा वो डिटेल्स फिलअप करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं पे आपका SSB इंटरव्यू का कॉल लेटर देखने को मिलेगा, वहीं पे आपका डेट सिलेक्शन लिंक भी देखने को मिलेगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। इसका जो अभी के हिसाब से अगर हम मान के चलें, अगर आपका रैंक 350,000 के आसपास है या फिर बाद भी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं तो आप अप्लाई कर दें, और शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, आप SSB इंटरव्यू अटेंड कर पाएंगे। और आगे आने वाला जो अपडेट है कि कॉल लेटर किस तरह से फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, सारे तमाम डाउट आपको इसी चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जैसे जैसे आपको अपडेट आता रहेगा मिलता रहेगा। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अभी NDA का कॉल लेटर आ गया है,
आपका डेट सिलेक्शन लिंक आ गया है, डेट सेलेक्ट कर लें। वीडियो के कमेंट में कमेंट करें कि आपका कौन सा सेंटर दिया गया है, कौन से डेट का आपका SSB इंटरव्यू है, ताकि जो बाकी कैंडिडेट हैं उनको भी एक एक आइडिया लगे और आप अपना जर्नी उसी तरह से प्लान कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे @agam5921 ये है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूँगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। या फिर वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट करें कि जो अगला वीडियो आने वाला है, ये अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाऊँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और टाइम टू टाइम सारा अपडेट मिलता रहे। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।